प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करने देंगे। उनके जय गुरुदेव बाबा कह के गए हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना चाहिए। तो क्या वो जय गुरुदेव, वो क्या जय गुरुदेव की वो बात नहीं कर रहे हैं? नहीं क्या सर, उन्हें वो जय सर गुरुदेव के व्यवस्था परिवर्तन के बारे में स्वयं जो है ना एक टॉपिक रख के उस पर उनके जो विद्वान हो वो बात करें और हम भी बात करेंगे? अरे पर वो तो करते हैं, लेकिन वो बेचने देने को तैयार नहीं है। नहीं बोले साहब आप आइए, हाँ पधारिए, आप आपका स्वागत है, लेकिन जैसे आम लोग आते हैं आप आइए, आप यहाँ पे आप भाषण बाजी या कुछ भी हम नहीं करने देंगे आपको, या आपका कुछ भी कंसेप्ट है। कारण क्या है कि वहाँ पे जो कंसेप्ट मैंने देखा कि सिवाय फाइनेंशियल और ये कि बोले साहब फाइनेंशियल हेल्प क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम क्या साहब, वो हम तो ऋण नहीं ले रहे हैं किसी से कुछ। नहीं, फाइनेंशियल हेल्प क्यों नहीं दे रहे हैं पर? अब हाँ नहीं, उनका एक कहना है कि साहब हमारे पास तो लाखों रुपए लोग लेके आते हैं, नहीं काम नहीं लेते हैं हमारे हम यहाँ। आपको व्यवस्था परिवर्तन दे रहे हैं, गुलामी के अरे नियमों से अरे मुक्ति दे रहे हैं। क्या वो कहते साहब वो हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ क्या वो तो क्या है, प्रॉब्लम है? हमारी 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 दुकान कैसी चले वो ध्यान बताओ कि इसके अंदर, या तो आप ये देखो साहब ये तेरह चौदह ये पंद्रह जय का जो बाबा कार्य, गुप्ता दुकान चलाने के लिए है या ये व्यवस्था हाँ पर? वो तो साफ ही कहते हैं कि साहब यहाँ तो ये कारण इतने भी लाखों लोग आएंगे, इनका खाना पीना रहना खर्चा ये सब दान चंदे से चलता है, हमारे पास तो पैसा है नहीं तो वो तो जो आते हैं तो। हाँ वो खुद खुद जो है ना डोनेट करते हैं, ये सब अपने रजिस्टर खोल के तो रखते हैं उसके लिए। हाँ वो तो करते ही है, लेकिन ये वो हमारे सवाल है कि भरोसे सर थोड़ी बैठे हैं, हम ना पहुंचेंगे तो भी वो जो लोग आएंगे वो आएंगे या नहीं, वो तो करेंगे करेंगे, मेरा क्या कहना है, नहीं? पर वो तो हमारे मेन चीज भरोसे है। हमसे क्यों ये बातें कर रहे हैं? नहीं, अब वो तो कहते कि नहीं साहब हम आपको यहाँ कुछ करने ही नहीं देंगे, आप आइए, दान दो मत दो, उससे कोई चिंता की बात नहीं, नहीं लेकिन नहीं हमें ये सवाल कहना है। सवाल जो है हमारे पास समय खराब करने के लिए तो नहीं है। नहीं नहीं, मेरे कहते हम इतने फुर्सत में थोड़ी है कि हम नहीं दर्शन के लिए सवाल आए। फुर्सत का नहीं है, सवाल ये है हाँ कि क्या जय बाबा गुरुदेव जी ने जो भविष्यवाणियां की हैं उसके प्रति आपकी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है क्या? सवाल वो दिलचस्पी इसलिए ये है। खत्म हो गई कि वहां की जो प्रॉपर्टी थी कहाँ की, अरे प्रॉपर्टी को भाड़े में जाने दो, हमें उस पर बात में अरे नहीं वो करना। अरे कार्य सब में क्या कह रहा है वो, अब अपन बाबा जो वो ये खुद ही नहीं मानते उनको, अब आप ये मान के चलिए। आप मानो चाहे ना मानो फिर उनकी फोटो क्यों लगा रहे हो, उनका नाम क्यों यूज कर रहे हो? नहीं, उनका फोटो का लगा, फोटो इनका लगा है, उमाकांत जी का। नहीं, चारों तरफ जो है ना मुख्य तो बाबा जय गुरुदेव के ही लगते हैं, इनके भी थोड़े हाँ बहुत लग गए लगते हैं होंगे। वो तो देखिए ठीक है, ऐसा क्या है, सुबह मैंने बताया कि मंदिर राम भी को जो है सब, ना जय बाबा गुरुदेव का है, सर सर इनका एक मेरी बात सुन लो, राम को सब मान रहे हैं, राम से कोई नहीं मान रहा, गुरु जी को सब मान रहे हैं, गुरु जी की कोई नहीं मान रहा। मेन चीज ये है कि वो कहते नहीं सर हम आपको यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करने देंगे, साफ साफ उन्होंने स्पष्ट कह दिया, ये मना नहीं किया कि आप मत आओ, आप आओ, उनका साहब हम इतने फुर्सत में थोड़ी नहीं, किसी तो को आपके बदनाम दर्शन करते करने हैं। आना है क्या? क्यों आना है? हाँ तो हाँ ना हम आप में बोले आप चरित्र है, आओ ना सोच है, ना शक्ति है, सर, दुकान ऊपर से खोले हुए हैं, पब्लिक को मूर्ख ऊपर से बना रहे हैं। अब क्या है, अब साहब अब वो बातें अपन वहां नहीं बोल सकते, अपन तो उनके एट्टे पे बैठे हुए थे। नहीं, जो अपन ये बात कर रहे हैं ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल पब्लिश करेंगे इसको? हाँ तो कारण क्या है कि वो कहते नहीं 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 सर नहीं नहीं कि नहीं जो, हाँ ये जो जय बाबा गुरुदेव के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं, नहीं, आम जनता मेरे को काम मूर्ख का बना रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं आप ये बताइए ना। मेरा मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हाँ एक उनके पांडे जी ने खास हम्म, जिनसे कल मतलब जो उनके बिल्कुल जो कुछ यहाँ के इंचार्ज है, मतलब नंबर नेक्स्ट जो वो क्या अपन कहते हैं महाराज जी के, मतलब वो जो कहते हैं वही काम होता है। अच्छा अच्छा वो कह रहा है कि इन्होंने मेरी डायरेक्टली उनके साथ मुलाकात नहीं कराई, किसने मुलाकात नहीं कराई? इन लोगों ने पांडे जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई है? पांडे जी से तो हो गई। और किससे मुलाकात नहीं कराई? अरे भाई डिसीजन मेकर महाराज जी हैं, उमाकांत जी जो है। हेलो, मालूम नहीं है क्या क्या है, कुछ नहीं है मुझे हाँ तो हाँ अब बात, ये मुझे वो बात समझ में जो, आती हाँ नहीं है। हाँ अरे वही तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि होता क्या है कि जैसे हम लोग एक बार ये जो है ना आपके क्या नाम है हाँ इनका, अरे बहुत तो अच्छे संत है, मुरारी बापू, नहीं देखो अपन इसको कंफ्यूज ना करें, अपन अभी जो बात कर रहे हैं क्या हाँ ग्यारह बारह उसमें तेरह हाँ, को है? नहीं, बस 13 14 15 है उनका हाँ जो वो है, तो हाँ उनके उन्होंने कहा था कि हमारे जो डिसीजन मेकर थे वो आएंगे, कल पांडे जी वगैरह सब आ गए थे, तो हाँ हाँ मेरे को बुलाया भी था, मैं तो गया भी था मिलने के लिए,
हाँ सर नहीं नहीं सर आपका मिशन भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है, ये है वो, दोनों ही चीजें की बात चल रही थी, मेरे भी हाँ चल रही थी हाँ आपके भी चल रही थी, लेकिन ये है कि आप आपकी दुकान अलग चलाओ हमारे हमारे यहाँ पे गालबेल मत करो, हमारे यहाँ नहीं पे नहीं हम कोई दुकान चलाने नहीं आए हैं। नहीं हम नहीं नहीं तो वही लोगों मैंने को कहा, जागृत हाँ करने वाले हैं, लोगों को अरे समृद्ध मैंने बनाने कहा, आए हैं, उनको अरे गुलामी के मैंने नियमों सर से मैंने मुक्ति देने कहा आए सर हैं। सर क्या है कि मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा भैया कोई हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे को 100 रुपये का एक रुपये का चंदा जी, 5 रुपये का खर्चा नहीं कराना है आपका, हाँ और बिना खर्चा किए अगर कोई चीज व्यवस्था परिवार, और वो भी उनको वो वीडियो भी दे दिया मैंने उनको, कुंभ जो आपका था ना कि कलयुग में सतयुग आ जाएगा और सत्युग हो जाएगा और सारा, कि भैया ये तो आपके के, हाँ बोले साहब वो तो कहा होगा लेकिन ये है कि हम मतलब वो तो हमारी कहा उपज, होगा, इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि जय बाबा गुरुदेव ने क्या कहा है और उसे ये नहीं नहीं जमीन पे उतारना वो मालूम मालूम सब है उनको, सब कुछ मालूम है, लेकिन है। हाँ वो कहते कि नहीं सर ये जो भी है ये हमारा हमारा पैटर्न अलग है और आपका पैटर्न, मतलब आपका जो कोई पैटर्न है सर पैटर्न वो नहीं है, पैटर्न, जय बाबा नहीं गुरुदेव मैंने कहा सर आखड़ देके लोगों को नहीं समझाते थे, वही हम समझा रहे हैं। इसमें मैंने कहा सर वो ये जो पैटर्न क्या है इस पैटर्न अलग है, पैटर्न, उनसे पूछिए ना कि भाई बताइए क्या पैटर्न अलग है। नहीं, इस पैटर्न में आप हम हमारे इसमें आप फिट नहीं हो रहे हो, तो मैंने कहा सर इसमें क्या नहीं गलत नहीं कर रहे नहीं हो ये किस बताओ चीज में सर, फिट नहीं हो रहा है ये बताओ ना। ये मतलब तो यदि वही यदि बात लॉजिक से है बात करना है तो लॉजिक से बात अरे करो। पर वो कहिए सब कि अभी वी आर हम लोग तो बेघर की मुद्रा में हैं वहां नहीं पे, नहीं नहीं हम लोग बिल्कुल बेघर की मुद्रा में नहीं है। मतलब हम अपन अपन लोग ये नो नो रिक्वेस्ट जस्ट ए मिनट करेंगे, जस्ट ए अपन मिनट। रिक्वेस्ट की गए, हाँ हम तो क्या कह रहे हैं, वहां पे एक बड़ा हाँ सा बैनर बना के बाहर जो है ना लगाना चालू कर देंगे, लोग बाग उनकी जगह यहाँ पे आने लग जाएंगे, उसमें क्या बात है। बस 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 आप बात आपने समझ जो रहे हो नहीं बात समझ कही रहे हो गई ना, आपने जो उन है? अरे बस 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 वो क्या कहते हैं कि हाँ सर आप कहते हो कि हमको एक नया पैसा नहीं चाहिए और हम तो चंदा ले रहे हैं बात सुन लो तो वो कहते हैं कि भैया लोग कहेंगे यार कि ये मिथिली चरण गुप्ता जी ज्यादा अच्छे हैं, तो अच्छे हैं जो जो नहीं जो वो है कहते ना, अरे वो जो ना वो गुलाम, मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट हाँ क्यों अच्छे हैं वो सुन हाँ दीजिए ना। हाँ हम आपको हाँ गुलामों के नियम कानून से मुक्ति दिला रहे हैं जो आपके दुष्ट राजनेताओं ने नहीं दिलाई है। हम सही बात है सही बात है, आपको जो है वर्तमान व्यवस्था, जो कि वही लाटसाबी व्यवस्था है जो आपके प्रति हाँ अत्याचार कर रही है और बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है, निर्णय नहीं लेती है, विलंब से निर्णय हाँ लेती है, गलत निर्णय बिल्कुल लेती है, बिल्कुल घूस खा के हाँ निर्णय हाँ लेती है, हम आपसे उससे मुक्ति दिला रहे हैं बिना समय जाया। सर सुन लो आप पहले, हर ये जो है ना अरे मैं रिकॉर्ड तो पे सुन जाने, लिया सब सब अरे मेरी बात सुनिए सुन जरा लिया आप, है, ये रिकॉर्ड पे जाने बताओ दीजिए ना, ये वीडियो रिले होगा, हाँ ठीक ये है आपके लिए नहीं है, ये जो सुनेगा उनके लिए है। हाँ ठीक है तो इसमें जो है आपके बिना थाने जाए सुनवाई हो जाएगी, पुलिस की भी इतनी मदद कर दी जाएगी कि 15 दिन में 8-8 साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे। आप जो है बिना कोर्ट जाए आपका ट्रायल हो जाएगा, वो भी 3 दिन से 30 दिन के अंदर। आगे चल के बिल्कुल लोग आग अपराध नहीं कर पाएंगे, अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, किसानों की जो है ना के जो अभी चारों तरफ विष से घिरे हुए हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको जो है ना उनकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी, मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी, लोगों की चेक बाउंस नहीं होगी, लोग दिवालिया नहीं होंगे, लोगों के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, भारत के विकास के लिए 20 गुना पैसा होगा, भारत जो है बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन जाएगा, जो शासकीय सेवा में है उनकी कोई SER नहीं लिखेगा, उनका काम से जो है ना उनकी SER एक्सट्रैक्ट होगी जिसको परफॉर्मेंस इंडेक्स कहेंगे। उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से जैसे आज आपको कैडर अलॉट होता है, सर्विस अलॉट होती है, ऐसे ही आप अपनी पोस्टिंग खुद कर पाएंगे। पर सर वो अब क्या कर सकते हैं अपना, वो तो कहते हैं कि मैं सब नहीं नहीं आप नहीं नहीं आप मैं तो ये हाँ कह रहा हूं, आप देखिए कोई कोई वो लगा के जो है ना हमारे वीडियो चलाने का सिस्टम कर दीजिए वहां पे, साला उनके बाहर ही निकलेंगे लोग। तो आप बात सही समझ रहे हो ना। बात है हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये अपन तो मैंने तो कभी सोचा कि हम नहीं कर रहे हैं तो छोड़ो इसको मामले को, इस नहीं बार नहीं माफ कर नहीं दीजिए। नहीं 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 मैं कहीं पे जो है एक पीए हाँ सिस्टम लगा के हमारे वीडियो चलाइए वहां पे और इनको एक्सपोज करिए कि ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये बाबा जय गुरुदेव की जो भविष्यवाणियां हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती हैं, ये अपनी दुकानें चला रही हैं, अब इनको भी बंद करने का समय आ गया है। इनको छोड़िए, आप इनको छोड़िए, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, हम आपके जो है ना वो सभी जो है ना चीजें पूरी कर देंगे जो बाबा जय गुरुदेव ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल 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 वो सही बात क्योंकि है कहीं ना कहीं बातें ये जोर से आपको कहना ही होगी और आम जनता तक पहुंचाना ही होगी। हाँ वो है, तो
कारण क्या है कि मेरे को मतलब ये क्या बोले साहब, यहाँ पे जो चीजें हैं ये अलग तरह का सिस्टम है, ऐसा वैसा। तो बोले हाँ, वो तो उसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं सबसे नहीं ऑफलाइन अलग जो अलग अलग प्रोग्राम तरह का जो सिस्टम नहीं है। जो है ना, जनता को मूर्ख बना के बुला के उनसे पैसा इकट्ठा करना है, दुष्टता कर रहे हैं लोगों को। क्या राहत दे रहे हैं ये बताइए, क्या राहत दे रहे हैं लोगों को, ये क्या रिलीफ दे रहे हैं? उनके पैर में जो बीमारी फटी हो, उनकी जो सुनवाई नहीं हो रही, उसमें कुछ मदद कर रहे हैं? क्या मदद कर रहे हैं ये, किसका भला कर रहे हैं ये बताए ना मुझे। ना जो कष्ट है उसको दूर कर रहे हैं, ना उनकी समस्या का निदान कर रहे हैं, ना उन्हें न्याय दिला रहे हैं, ना उनके लिए व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं ये? पर नहीं, सर अगर आप मुझे, वो हाँ समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ नहीं, बात समझने का नहीं है, बात इसको प्रचारित करने का है। जो ना। हमें हाँ, बातचीत कर रहे पर हैं सर ये, वो क्या होगा कि एकदम से सारी चीजें नहीं हो पाएगी। आप मेरा अगर चिंता कहना है कि देखिए, अपन अपन मेरा अपना जो काम कर रहे हैं, अपन जो डायरेक्टली देखिए, लोगों को हमारा पहुंच तो ये रहे हैं। कहना है कि इनको एक्सपोज भी करेंगे ना, ये अभी वीडियो जाने वाला है सभी को, इनके जय गुरुदेव बाबा के लोगों को भी जाएगा, तो लोगों को मालूम तो हाँ पड़े कि जय गुरुदेव बाबा का जो है ना ये मजाक उड़ा रहे हैं, वो जिंदा है, उनको जो है ना इन्होंने मृत घोषित कर दिया है। ये तो इतने दुष्ट लोग हैं, उनकी समाधि बना रहे हैं। जब आदमी मरा नहीं है तो समाधि कैसे बनाएंगे आप? तो ये तो दुष्टता का सवाल है। और ये बताइए, ये बताएं कि जो ये कर रहे हैं इससे आम जनता का क्या भला हो रहा है? नहीं, अब क्या होता है सर कि जो नहीं, अंधश्रद्धा आप श्रद्धा जस्सी भाई जो मत करो, आप इनकी, आप जो है ना, अपन एक इनको छोड़ दीजिए, अपन इनके यहाँ जा नहीं रहे, ये भाड़ में जाए, इनका कोई लेना देना नहीं अपना। अब हाँ अपन ठीक है ठीक अकाडेमिक है। डिस्कोर्स कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं उससे जनता का क्या भला हो रहा हाँ, है, ये जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? वो तो है ही। ये जो है ना, पैसे क्यों इकट्ठा कर रहे हैं जनता से? ये जो है, इस आयोजन से क्या लाभ पहुंचाना चाहते हैं जनता को? क्या लाभ पहुंचा रहे हैं? क्या मकसद क्या है इस आयोजन का? हाउ वो द तो है ना। पब्लिक विल बी बेटर ऑफ, जनता इससे नहीं, कैसे हो ही बेहतर नहीं, हो ही होगी? नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। वो जी, तो है ही ना, जितने प्रवचनकार बड़े हैं उतना पाप बड़ा है। इसको जनरलाइज मत करो, अपन इनके बारे में बात करें ना। अपन जनरलाइज करके अपन हाँ। उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। नहीं, वही वही है बट देखिए, लेकिन हाँ अभी अपन ये बात कर रहे हैं कि जय बाबा गुरुदेव के जो चेले ये जो दुकान चला रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? ये आम पब्लिक को क्या रिलीफ दे रहे हैं? आम पब्लिक को अच्छा भविष्य देने के लिए इनके क्या प्रयासरत हैं? आम जनता को इनके पास क्यों जाना चाहिए? आम जनता को इनका बायकॉट करना चाहिए? ये क्यों मूर्ख बनना चाहिए बताइए ना, ये दे क्या रहे हैं आम जनता को? सब धर्म की जो अफीम है ना, हाँ, वो अफीम चटा चटा के दसों। नहीं, क्या अफीम है? कोई अफीम भी नहीं है इनके पास। क्या अफीम है? क्या अफीम चटा रहे हैं? नहीं, अब तो क्या होता है कि एक बार आदमी की फॉलोइंग बढ़ जाती है नहीं, शुरुआत में, मेरा मेरा कहना फॉलोइंग का मतलब बढ़ने है, के बाद। आदमी नहीं, वो ठीक आदमी है। आदमी इनके पीछे इसलिए आया था कि उसे अपना कल्याण दिखाई दे रहा था। वो हाँ उनके पीछे इसलिए आया था कि बाबा जय गुरुदेव का कहना था कि कुछ अवतारी शक्तियां आ गई हैं जो इस देश को बदल देंगी। हाँ और उनके बिल्कुल नाम मैं सही बात आपको है। अभी नहीं बताऊं, सुनो, इनकी जो बात कह रहा हाँ हूं बता रहा, बिल्कुल, उनके नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं तो उनको नुकसान हो जाएगा। हाँ ठीक है। वो परवरते जो जो ना जो अवतारी शक्तियां होंगी, उन्हें खुद ही नहीं मालूम है कि वो अवतारी शक्तियां हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बातें उनके जय बाबा गुरुदेव ने कही हैं, तो हाँ कहिए ना। फिर ये उसको जो है ना क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये दुकान चला रहे हैं, ये दुष्ट हैं, ये बदमाश हैं, ये मक्कार हैं। जब अपन प्रधानमंत्री जी को कह सकते हैं कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो इन इन दुष्टों से भी हमें कहना पड़ेगा कि तुम दुकान चला रहे हो। आप बात कर रहे हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहा, समझ रहा। आप आम जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हो? आम जनता जो आपके पास आ रही है, उसकी आज और कल में क्या परिवर्तन हो रहा है? आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो क्या? तो आप नहीं कर रहे हो तो फिर जो ना क्यों, और आपकी सोच और चिंतन का विषय भी नहीं है। हाँ, एक काम करूं सर, ये पांडे जी का नंबर मैं आपको भेजता हूँ भेज दीजिए, है ना, और पांडे जी से आप चर्चा करें कि मैं बिल्कुल चर्चा करता हूं। और जो है, उनको मालूम होना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त कोई घास पास की वो नहीं है। हाँ, तो वो करके उनसे कहेंगे सर कि जो अपराध मुक्त भारत वाला जो कंसेप्ट ऋषि जी ने कल आपसे चर्चा करी थी, अपराध, हाँ, अपराध मुक्त भारत, और ये आप उन्होंने आपको वीडियो भी दिया था जय गुरुदेव वाला कि कलयुग में कलयुग आएगा, उसी के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अभी आप ये मत कहना कि मेरी अपनी कोई बात हुई, आप तो खाली आपके लेवल पे बात करना है कि कल ऋषि जी ने आपको मेरे बारे में बताया होगा और आप भी बहुत तारीफ कर रहे थे,
कि पांडे साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो खुद मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उसने ओके, पीएचडी में, हाँ वो आदमी इन्होंने तो बहुत मैकेनिकल जो है दूर कहाँ से किया है? अच्छा, है, ये मतलब वो यूपी के हैं, प्रयागराज के। अच्छा मतलब पढ़े, मतलब काफी लर्नेड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, वो नहीं, चीजों को अप्रिशिएट तो कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल है कि आप जो कुछ भी एनर्जी लगा रहे हो, कम से कम अपनी एनर्जी के प्रति तो सम्मान रखो ना भाई, हाँ अब वही है। मैं मतलब क्या कह सवाल ये रहा हूँ कि उठता शायद हो है। सकता है मेरे कुछ इसमें, तो मेरा क्या कहना कि मैं अभी पांडे जी को नंबर आपका भेज और उनको कह देता हूँ कि वो आप मेरे जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सीधे ही लगा दूंगा। आप, हाँ, कह भी दीजिए आपके, मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ कि बस बस बस, तो वो आपसे वो फिर आप अपन अभी ये जो बातें करें इसको छोड़ के अपन ये बात करें कि सर ऋषि जी ने कल आपको बताया था और आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि साहब ये अच्छे काम को, तो ये हम लोग भी जो बाबा जय गुरुदेव वाला जो था सत्संग, वो आपको कल वीडियो भी दिया था उनने आपको कि कलयुग में वो आएगा, तो उसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी आपका जो 13, 14, 15 तारीख का ये है, इसके अंदर अगर इस जन जागृति के बारे में लोगों को बताया जाए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, थोड़े ही समय के अंदर हम लोग आपके महाराज जी की वो जो भविष्यवाणियां हैं उसको सत्य, तो उसी में आपका ही नाम होगा, तो वो करते हुए वो रिकॉर्ड भी कर लेना और इनसे चर्चा भी कर लेना, अभी भी बात हो जाएगी। मैं आपको नंबर भेजता हूँ 2 मिनट ठीक है, चलिए, जय अभी, हिंद, आप जय मेरे को भारत, व्हाट्सएप में डाल, वंदे मातरम। हाँ, अपना भी उससे पॉजिटिव, कारण क्या वो ये नहीं था, लेकिन चक्कर ये कि वो कहते हैं यार कि अभी हम कुछ समझ नहीं पा रहे, नहीं, तो मैं क्या देखिए, हम तो किसी, दूसरी बात कह रहे हैं कि हाँ 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 इनको अपनी एनर्जी के प्रति तो सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल ये अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उससे लोगों का और देश का भला होना चाहिए। लोग बाहर में जाएं, बाबा जी ने जो कहा वो भी 2 मिनट किनारे जाए, लेकिन कम हाँ से कम इनकी एनर्जी से आम जनता को, इस देश की जनता को कुछ तो लाभ पहुंचना चाहिए, कम से नहीं, कम मैंने आप। उनको ये भी कहा, मैंने कहा सर आपके यहाँ आने से अगर कोई लोगों का भला होगा तो आपके नाम पर ठीक होगा ना, आपके यहाँ कहीं किसान यहाँ पे आए तो इसके कारण तो मेरे ऋषि जी मिल गए, अरुण ऋषि जी मिल गए, ये यहाँ आने के कारण, आपके आपके यहाँ आने के कारण, तो आपके नाम आगे बढ़ेगा, हमारा नाम थोड़ी आगे बढ़ेगा, हम तो नाम भी, हमको नाम भी नहीं चाहिए, पास पैसा भी नहीं नहीं, ये चाहिए। सब बातें नहीं करना है, अपन मकसद की बातें हाँ करते ठीक हैं। है ये सब, बस, ये हाँ देखो, ये चाटुकारिता की कोई बातें नहीं करना। नहीं तो ठीक है ठीक, आप तो अपन चलना, मैं ये आपका इनके नंबर बाबा भेज जय रहा हूँ। गुरुदेव कह गए हैं कि तुमने यदि हमारे इन लोगों की बातें नहीं सुनी तो आपकी हाँ कुबेरती हो जाएगी। ये भी जो है बाबा गुरुदेव ने कहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ये मैं कहा अभी है आपको दे उनके रहा हूँ बाबा जय नोट, गुरुदेव ने कि जो अवतारी बस शक्तियां होंगी बस उनकी बस बात बस सुनना, बस बस यदि आप उनकी बस बात एक मिनट, सुनोगे तो आपकी कुगति हो जाएगी। ठीक बस एक मिनट में मैं नंबर दे रहा हूँ, आप बात करो। है, आप मुझे SMS से दे रहे हैं? अब मैंने व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, आपको तो चलिए, SMS पे देता हूँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए, दोनों जय हिंद, दोनों जय पे भारत, जय दे दीजिए, वंदे जय मातरम। माता।